हेलो फ्रेंड्स, वीडियो का थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं, आखिर इतना कंट्रोवर्शियल थंबनेल मैंने क्यों बनाया है। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद, इस थंबनेल के बाद बीजेपी सपोर्टर, मोदी सपोर्टर मेरे चैनल पर स्ट्राइक दे दे, मेरे इस वीडियो को स्टेप डाउन करवा दे। लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है, वो किसी के छुपाने से नहीं छुपेगी, वो किसी के झूठ बोलने से भी नहीं छुपेगी। तो सच्चाई क्या है? पिछले 10 से 12 साल से सहारा के 13 करोड़ निवेशक अपनी पाई पाई के मोहताज, लाखों निवेशक और कार्यकर्ता पैसे के अभाव में काल का गाल में समा चुके हैं, असमय मौत हो चुकी है, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, पैसे के इलाज में अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, पैसे के इलाज में अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, पैसे के अभाव में घर नहीं बनवा पा रहे हैं। तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? आप लोगों को पता है कि 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सेबी ने सहारा का 24,000 करोड़ रुपया जब्त किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, स्पष्ट आदेश में कहा था कि इस पैसे का भुगतान सहारा के निवेशकों को किया जाए, और जब तक भुगतान ना किया जाए तब तक यह सेबी के पास पड़ा रहेगा, सरकार इसका यूज नहीं करेगी, सरकार अपने पर्सनल यूज में इस पैसे का प्रयोग नहीं कर सकती है। अब आप पूछेंगे आखिर इस बात का, इस थंबनेल से क्या मतलब है? 3 दिन पूर्व राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीना ठोकते हुए कहा कि पिछले 1 साल में पोर्टल के माध्यम से हमने 4,20,000 निवेशकर्ताओं का 362 करोड़ रुपए का भुगतान किया। जी हाँ दोस्तों, सीना ठोकते हुए। लेकिन अमित शाह इस बात को गोल कर गए कि लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा निवेशकर्ताओं ने पोर्टल पर क्लेम किया था, उनके क्लेम की राशि 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ऐसे में सिर्फ 362 करोड़ रुपए का भुगतान करके सीना ठोकना, क्या ये शर्म वाली बात नहीं है? लेकिन अब इन्हें शर्म आएगी तो फिर ये जुमला वाली सरकार कैसे कहलाएगी? इन्हें शर्म नहीं आएगी, क्योंकि पिछले 10 साल से देश में इनकी सरकार है, और पिछले 10 साल से आप 50 करोड़ लोगों के पैसे पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 50 करोड़। अगर 13 करोड़ निवेशक हैं और हर परिवार में अगर 4 सदस्य भी हैं तो यह देश की आधी आबादी हो जाती है। आप पिछले 10 साल से देश की आधी आबादी के पैसे पर कुंडली मारकर बैठे हैं और सीना ठोककर संसद में दावा करते हैं कि हम इतने रुपए का भुगतान किए हैं, क्या आपको शर्म आती है? क्या आपको शर्म नहीं आती है कि आप 1 साल में इतना बड़ा देश होकर, इतना बड़ा सिस्टम आपके पास है, और मात्र आप सिर्फ 300 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए का भुगतान करते हैं, जबकि क्लेम लगभग 1,00,000 करोड़ का है। लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि आप तो गरीबों की लाश पर राजनीति करेंगे। गरीबों से आपको कोई मतलब नहीं है, आप तो अडानी और अंबानी के लिए जीते हैं। आज हर 50 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पर टोल टैक्स वसूला जाता है, और आप सीना ठोक के बोलते हैं कि ऐसी सड़कें तो कभी थी नहीं। तो भैया, हर 50 किलोमीटर पर हम पहले टोल टैक्स भी नहीं देते थे, आप हमारे ही पैसे से हमारे सीने पर चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं और ठोक रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमने तो वर्ल्ड क्लास रोड बनाए हैं। पैसा किसका है? हमारा। आज के समय में 50% 60% हमें टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स दे दीजिए 30%, आप जीएसटी दे दीजिए, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स दे दीजिए, सरचार्ज दे दीजिए,
और पता नहीं कैसे कैसे कौन कौन से टैक्स हैं। अगर सारे इन टैक्सों को जोड़ लिया जाए तो हमारी आमदनी का 60-70% तो हम टैक्स देने में ही गंवा देते हैं। इसके बाद भी जब हम सरकार से अपना हक मानते हैं तो सरकार हमें देती है झुनझुना, और उसके बाद भी बड़ी बेशर्मी से सरकार झूठ बोलती है, सीना ठोकती है। आज मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से जब आपके पास करोड़ों रुपए, 24,000 करोड़, 25,000 करोड़ रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप पिछले 10 साल से यह भुगतान नहीं कर रहे हैं? 10 साल क्या, 12 साल हो चुके हैं। पिछले साल दिसंबर के महीने में कुछ अखबारों में यह खबर आई थी कि सरकार जो सहारा का 25,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है उसको अनक्लेम्ड मनी घोषित करके, जब्त करके अपने विकास कार्यों में उसका उपयोग करना चाहती है। यह अनक्लेम्ड मनी यह होता है कि यदि कोई धन राशि जो किसी भी सरकारी संस्था, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, या कोई भी सरकारी संस्था में 10 साल से पड़ा है और उसका क्लेम करने वाला कोई नहीं है, तो उसे मान लिया जाता है कि उसका कोई क्लेमेंट नहीं है और उस संपत्ति को, उस पैसे को सरकार अपने यूज के लिए प्रयोग कर सकती है, अपने लिए प्रयोग कर सकती है। अब 12 साल हो चुके हैं उस पैसे को जब्त किए हुए, तो क्या ऐसे में कहीं यह तो मंशा नहीं है मोदी सरकार की कि उस पैसे को अनक्लेम्ड मनी घोषित करके उसे जब्त कर लिया जाए? जिस रफ्तार से पोर्टल पर भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि कल के डेट में सरकार कह दे कि भाई उस पैसे का तो कोई क्लेमेंट ही नहीं है, कोई उसका दावेदार ही नहीं है, और इसलिए उस पैसे को जब्त किया जाता है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि आज के समय में प्राइम टाइम मीडिया इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठा रहा है। छोटे चैनल उठा रहे हैं, छोटे यूट्यूब चैनल उठा रहे हैं, या फिर छोटे स्तर पर जो कार्यकर्ता है या फिर सहारा के जो गरीब निवेशक है वो अपने स्तर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन प्राइम टाइम मीडिया है जो रसगुल्ला खा रहा है और अंबानी की शादी को कवर कर रहा है, लेकिन उसे 50 करोड़ की आबादी को लेकर कोई मतलब नहीं है। इसके बाद भी जब कुछ सांसदों के द्वारा संसद में भुगतान के बारे में अमित शाह जी से पूछा जाता है तो अमित शाह सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने 362 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपए का क्लेम आया है और उसमें से मात्र 362 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किए हैं। तो कहां ये शर्म वाली बात है या फिर सीना ठोकने वाली बात है, तय आपको करना है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं यह जरूर सोचेगा कि जिस सरकार को उसने 5,000 करोड़ रुपए दिए थे एक साल पहले, एक साल में मात्र 362 करोड़ रुपए का भुगतान करने वाली यह सरकार कितनी सक्षम है, क्या सरकार के हाथों में भुगतान की प्रक्रिया को देना सुप्रीम कोर्ट के लिए सही था? सुप्रीम कोर्ट इस बात को जरूर विचार करेगा। 6 अगस्त को पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। ऐसे में माननीय जज महोदय जो हैं, जो दोनों जज महोदय हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप लोग प्लीज 50 करोड़ भारतीयों को देखें और एक बार यह जरूर विचार करें कि जो सरकार मात्र एक साल में 362 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है, क्या वो सक्षम है? अगर 362 करोड़ रुपए का भुगतान है तो आप समझ लीजिए प्रतिदिन 1 करोड़ का भुगतान हो रहा है। अब इतनी बड़ी मशीनरी लगाकर आप 365 दिन में 362 करोड़ का भुगतान करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को मान लेना चाहिए कि यह सरकार या तो जानबूझकर निवेशकों के पैसे का भुगतान नहीं करना चाहती है या फिर वो सक्षम ही नहीं है, असक्षम है। और बातें तो इसकी इतनी बड़ी बड़ी हैं कि फिर क्या कहना। दोस्तों, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में सरकार की आंख खुलेगी, आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस बात को जरूर सोचेगा
कि आखिर साल भर में ऐसी क्या कारण है कि साल भर में सिर्फ 362 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार के द्वारा किया गया है।